भाभी जी, जैसे अब भाभी हो गए, भाई हमारे तो आप हमारी भाभी हो गए। आई एम ओवर दिस रिलेशनशिप एंड आई एम फुली कम्प्लीटली डन विथ इट। एक टाइम था जब मुनार फार गिरना जिला इंटरनेट का क्यूटेस्ट कपल के रूप में दिखाई पड़ते, सारी जगह इन्हीं के वीडियो दिखाई पड़ती थी। ना सिर्फ इंटरनेट में, ऐसा लगता था कि जिंदगी में भी ये दोनों कभी नहीं बिछड़ने वाले। ऊपर वाले से यही दुआ है हमेशा रहे, क्या माशाल्लाह जुड़ी। मुनार ने तो उनके अपने सक्सेस में और हार्ड टाइम में बाहर निकालने का क्रेडिट भी नाजिला को ही दिया था। ज्यादा प्रॉब्लम में था तो एक फैमिली होती जो आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहती है, ठीक है, उसने मेरा साथ दिया। थैंक यू। और उस वे में साथ दिया जो वे में मैं किसी और से वो साथ नहीं मांग सकता, उस वे में उसने मेरा साथ दिया कि मेरा एक इमोशनल फेज था जब मैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में था, मैं परेशान था, उसने एज अ फ्रेंड उस वक्त वहाँ पे रही। हमारा रिश्ता धीरे 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 आज जहाँ भी पहुँचा है और जहाँ भी पहुँचेगा इंशाल्लाह। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में, ये बहुत प्यारी लड़की है, ये बहुत ही प्यारी लड़की है। पर जैसा कि ज्यादातर इंटरनेट क्यूट कपल्स के साथ होता है, वे दोनों अब साथ नहीं है। उनके जिंदगी में सब कुछ बदल चुका है। उनके बिछड़ने की शुरुआत होती है बिग बॉस से। बिग बॉस ने मुनार फारूकी को सब कुछ दिया पर सब कुछ छीन भी लिया, उनकी जिंदगी, उनकी चैन। जब ऐसा खान का एंट्री हुआ बिग बॉस में, उन्होंने बहुत ही संगीन आरोप लगाए मुनार फारूकी के ऊपर, उनके साथ चीटिंग करने का, उनके साथ रिलेशनशिप में होने का। जैसे एक गर्लफ्रेंड को अटेंशन दी जाती है, वो आयशा को वैसे ही अटेंशन देता है मनारा, आयशा भी उस पर वैसा ही हक रख कर बात करती है कि एक बार बुलाया तो आवाज़ सुनाई नहीं आ रहा है आपको। कोई भी मतलब कोई भी वो सूट पहन के आती है, कुछ भी आती है, कोई कॉम्प्लीमेंट करने से पहले वो बोल देती है अब बोलिए ना लग रही हूँ कि नहीं, मैं भला के खूबसूरत लग रही हूँ कि नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं पास्ट में मुनावर ने उसके लिए वर्ड यूज़ किए हैं ना, तभी तो उसको पता है ना कि वो उसके लिए ये शब्द यूज़ करता है। उसके बाद आया वो वीडियो जिसमें कि पूरा का पूरा इंटरनेट ला दिया। उस टाइम पे नाजिला ने बताया कि वह मुनार फारूकी के साथ अब नहीं रहना चाहती, उसका कारण क्या है, क्यों नहीं रहना चाहती, सब कुछ बताया उन्होंने। तो आप भी सुनो ये। थिंग्स आर आउट नाउ एंड आई एम जस्ट हियर टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स एंड जस्ट स्पीक माय पार्ट। इट इज बिकॉज आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड नो मैटर व्हाट how things went between us, I still respected that person enough not to share personal details on a public platform. But when things are being said about me that are not true, I do have the right to come on and clarify myself. So yeah, basically, in short, I was not aware of Aisha and Munawar being together. I was been told a different, completely different story, and I was made to believe that I was the only person in his life and I was the only female that he was in love with. But that was not true, and there were a lot of other people involved, other girls involved that I don't want to talk about, because I believe that things are personal and they should stay personal. But if Aisha was the only person that was involved in this, I would have considered forgiving or anything, but she isn't. And yeah, I just wish people knew things that went down off camera, but clearly they don't. And I need people to stop making assumptions. I want nothing to do with Munawar. After watching today's episode, I remained silent till now because I was waiting to hear what he had to say and how he justified this whole thing, but it was just a bunch of lies, and I'm not satisfied with that. And I don't need to justify myself to anybody over here. I did not even want to do this live. This is my truth. I don't need to. This is the last time I'm going to speak about this. I'm never going to acknowledge this in my life because I don't want to do anything with this person or this situation at all. It's a shame that, you know, this whole thing is public and people are talking about this publicly. I'm seeing people make fun of my personal life, things that they know nothing about, abusing me in the comments, on Twitter, fake news articles, fake YouTube videos, where people know nothing and they're just talking about shit. So I don't enjoy this at all, and I am not enjoying this fame
or that stuff. I want nothing to do with Munawwar. I am over this relationship and I am fully, completely done with it. Because trust me, what you're seeing on the show is not the whole story, and I don't want to get into depths of how dirty it gets, but this is just a pattern that has been followed in all relationships. So I just, in all his relationships and his 2-year relationship with me, so I don't find any place in my heart to forgive this person. So I don't want to see any kind of DMs or comments asking me to forgive someone, because I don't want to associate with him anymore. तो इस तरह से मुनार फारूक और नाजिला का रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो गया। तो कुछ दिनों में मुनार फारूक और नाजिला के बेस्ट क्यूटेस्ट मूवमेंट लाने वाला हूं। अगर आप लोगों को वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। 20 लाइक का इस वीडियो का एम है भाई, उतना तो पूरा करवा ही सकते हो। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, लगातार ऐसे ही कॉमेडियन और मुनार फारूक से जुड़ी अपडेट पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर घंटा दबाना मत भूलना। बाय बाय।